रविंद्र जी, देख रहे हैं यहाँ पे आज मसालों में काफी दिनों के बाद एक अच्छी रैली निकल के सामने आई है। देख रहे हैं धनिया 8500 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वही 8600 के हाई से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है। जीरा भी देख रहे हैं 16000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, और वही देख रहे हैं आज हल्दी भी काफी दिनों के बाद 7500 पर देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो तेजी है यहाँ से और देखने को मिल पाएगी, क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? देखिए, हल्दी की बात करें तो हल्दी प्राइसेस में डिमांड जो है ये लौट के आई है, और उसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड है। लेकिन अभी भी फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि प्राइसेस जो है ये फर्दर अपसाइड सस्टेन करेंगे। एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिलेगी हल्दी में। रुझान यही लग रहे हैं कि 7400 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है, और वहीं अपसाइड में 7600 के आसपास की रेंज रहेगी। तो इसमें अभी फंडामेंटल्स इस तरीके के नहीं बने हैं कि हायर साइड में 7600 को क्लोज करके ये 8000 की तरफ मूव करेगी, तो वो चांसेस कम लग रहे हैं। अभी फॉर द टाइमिंग एक रेंज ट्रेडिंग जरूर देखने को मिलेगी, तो लोअर लेवल से बाइंग करके चल सकते हैं, और जैसे फंडामेंटल्स में सुधार होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड चलेंगे। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी डिमांड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, और अराइवल्स जो है वो थोड़े कम है एक्सपेक्टेशन से, इसी वजह से प्राइसेस जो अपसाइड मूव कर रहे हैं। धनिया में जरूर हमें अपसाइड मूव और देखने को मिल सकता है, 8600 से 8800 के लेवल्स अपसाइड में अभी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से भी धनिया प्राइसेस हम बाय करके चल सकते हैं। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है साल 2021 के अंत तक मसालों में कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी, और साल 2022 की शुरुआत मसाले कैसे रह सकती है? देखिए, मसाला पैक की बात करें तो ये साल के अंत तक हमें मसाला पैक में टर्मरिक थोड़ा सा एक रेंज में जरूर दिख सकता है, लेकिन जीरा और धनिया की बात करें तो ये बुलिश पैटर्न्स बनाते हुए दिख रहे हैं। जीरा में एक हल्की करेक्शन के बाद चांसेस ये लग रहे हैं कि दिसंबर के बाद 2022 में जीरा में अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है, लेकिन धनिया करंट लेवल से फर्दर बाइंग की साइड ही जाता हुआ दिख रहा है, और 2022 के फर्स्ट 2-3 वीक्स में हमें करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी इस पे बेटर रहेगी। जी,